हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये क्रोशिया से बनने वाले मास्क। देखिए, ये मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, ये मैंने थोड़ा उससे बड़ा बनाया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाना बताऊंगी। आगे मैं और भी तरीके के मास्क बताऊंगी, लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा जो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा सिंपल है वही मैं बता रही हूँ। सिलाइयों के मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने चैनल पर मास्क, और ये मैंने मेरे पास फरमाइश आ रही थी, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं क्रोशिया से भी बनाना बताऊं, तो ये मैं क्रोशिया से बना रही हूँ। ये मैंने बच्चे के लिए बनाया है और ये मैंने बड़ों के लिए बनाया है। ये भी ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए नहीं है, 10-12 साल के बच्चे को आ जाएगा ये आराम से। अगर आप इससे भी छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी कम में बना सकते हैं। ये लाइनें मैंने बनाई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें मैंने 11 लाइन बनाई हैं। यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें मैंने 12 लाइन बनाई हैं। आप चाहें तो इसमें 13-14 लाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये यहाँ ये सिंगल क्रोशे से बनाया है, बीच का पार्ट इसका डबल क्रोशे से बनाया है मैंने। इस तरीके से हम ये बनाना शुरू करते हैं। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वाली वूल से हम बनाएंगे। ऊन है मेरी, ये क्रोशिया से बनने वाली ऊन है, ये बारीक होती है, ये थोड़ी देखिए 4-ply की ऊन है, ऐसे आप ये देख सकते हैं इस तरह से इसकी। ये 4-ply की ऊन है और ये सिर्फ क्रोशिया से बनाने के लिए ही आती है, थोड़ी बारीक होती है। अगर आपके पास थोड़ी मोटी ऊन है तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से फिर आपको ये कम ज़्यादा रखना होगा। इसको हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से एक लूप बना लेंगे और इसकी बनाएंगे हम चेन, थोड़ी लंबी सी बना लेंगे। देखिए, जितना बड़ा आपको बनाना है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हम ये बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में जितनी भी एक्स्ट्रा होगी ये छूट जाएगी चेन। इसकी बराबर आ रही है अभी, तो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे इसको। इस तरह से अब हमें यहाँ से हम पहली चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में हम ये सिंगल क्रोशे ऐसे लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार हमने ये सिंगल क्रोशे इस तरह से बना लिया। अब 7 बार हमें करना है, धागा ऐसे लेंगे क्रोशिया के ऊपर और यहाँ से ये निकालेंगे और ये तीनों फंदे एक ही बार निकाल देंगे। एक, फिर ये सिलाई से लेंगे इस तरह से क्रोशिया, ये 2 बार हो गया, तीन, चार, पांच, छह और ये 7।
ये 7 बार हमने ये इस तरह से लिया, 7 बार ये डबल धागा लेके क्रोशिया पे, 7 बार हमने ये ले लिया। अब यहाँ से इस तरह से सिलाई पर लेंगे, इनको हम इसी तरह से जिस तरह से हम डबल क्रोशे बुनते हैं ये 2 बार एक एक करके निकालेंगे, एक इस तरह से लेंगे, एक बार 2 फंदे निकालेंगे और एक बार 2 फंदे निकालेंगे। इस तरह से हमें ये 12 बार रिपीट करना है। देखिए ये 4 बार हो गया, 12 बार हम इसे रिपीट करेंगे। ये हो गया हमारा 5 बार। ये देखिए ये 12 बार हमने इसको रिपीट कर लिया। 12 बार के बाद हम पहले ये 7 बार इस तरह से क्रोशिया के ऊपर ये डबल धागा लेंगे और ये तीनों फंदे हम एक ही बार निकाल देंगे। ये हमें 7 बार रिपीट करना है। 2, 3, 4 ये 7 बार हमने ये रिपीट कर लिया। अब 7 बार हमें डबल धागा नहीं लेना है क्रोशिया के ऊपर, 7 बार हम ऐसे ही बुनेंगे, एक 2, 3, 4 और ये हमारा 7 हो गया। जो हमारी ये एक्स्ट्रा चैन है इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हम बाद में काट लेंगे। उसके बाद अब ये इधर से घुमा लेंगे, हम एक चैन लेंगे और जहाँ जहाँ हमने ये बनाया है और जैसे जैसे बनाया है बस हमें वही रिपीट करते जाना है। 7 बार हम ये सिंगल ऐसे डबल सिंगल धागे के साथ करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हो गया ये। अब 7 बार हम फिर ये क्रोशिया के ऊपर डबल धागा लेंगे इस तरह से, एक 2, 3, 4, 5 7 7 बार हमने ये कर लिया। अब हमें 12 बार ये डबल क्रोशे बनाना है, एक 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये 12 बार हम इसको कर लेंगे। देखिए ये 12 बार हमने इसको रिपीट कर लिया। 12 बार के बाद हम फिर इस तरह से डबल धागा लेंगे ये क्रोशिया पे और ये तीनों फंदे एक ही बार में निकाल देंगे। ये हम 7 बार रिपीट करेंगे। बस यही हमें पूरे मास्क में यही रिपीट करते जाना है, जितना बड़ा भी आप बनाना चाहते हैं। छोटा बनाएंगे आप तो आपको ये 7-7 बार ना करके 6-6 बार कर लेंगे ये, और यहाँ हम 10 बार कर लेंगे जो हमने ये 12 बार रिपीट किया। और छोटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ हम 5-5 बार ले लेंगे, तो यहाँ हम 8 बार ले लेंगे। इस तरीके से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको हमें 7 बार बना लेंगे।
यहाँ से ये सिंगल सिंगल फंदा लेंगे, ये 7 बार करना है ये भी। ये हो गया, यहाँ से हम फिर ये घुमा लेंगे, एक चैन लेंगे और फिर वही 7 बार ये सिंगल धागे के साथ, 7 बार डबल धागे के साथ, 12 बार डबल क्रोशे बीच में, इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। जितना बड़ा भी आप बनाना चाहते हैं वहाँ तक हम इसको इसी तरह से बुनते जाएंगे। और ये जो हमारी चैन बची है यहाँ से हम एक चैन छोड़ते हुए ये लास्ट में ये काट देंगे। ये अलग हो गया। ये इस तरह से इसकी शेप आनी शुरू हो जाएगी। अब इसके आगे हम इसको पूरा ये थोड़ा बुन के तब मैं दिखाती हूँ कि ये कैसी शेप आ रही है इसकी। ये देखिए यहाँ से ये मैंने इतना बुन लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन ये मैंने बना ली है। इस तरीके से इसकी शेप आती जाएगी। आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा पतला है, यहाँ से और चौड़ा, यहाँ से और चौड़ा, और उसी तरह से इधर की शेप आ जाएगी। अब इसको हम चाहे जितना भी, बिल्कुल उसी मेथड से हमें ये बनाना है जैसे कि हमने शुरू किया था कि 7 बार हमें ये सिंगल सिंगल लेना है, फिर 7 बार डबल धागा लेके लेना है। देखिए 3, 4, 5, 6, 7 बिल्कुल वही मेथड से हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये हम 9वीं लाइन ले जा रहे हैं, इसमें हमें 12 या 13 लाइन हम करेंगे अपने हिसाब से, जितना चौड़ा हम इसको रखना चाहते हैं। इसमें मैंने यहाँ 12 लाइन की हैं, इसमें 11 लाइन की हैं। इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए इसकी शेप इस तरीके से आती जाएगी। अब मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये अब हमारा बनके तैयार हो गया। इस तरह से इसकी शेप आएगी। इसमें बनाई है मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लाइन मैंने ये इसमें बनाई है। इस तरह से ये बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें बनाएंगे चैन और यहाँ बनाएंगे फिर हम एक एक चैन हम यहाँ बनाएंगे फिल्टर पॉकेट के लिए। सबसे पहले हम ये वाली चैन बना लेते हैं। ये मैं अभी सिंगल धागे से बना रही हूँ। अगर आपको ये वाली चैन जो है ये भी मैंने सिंगल धागे से बनाई है, लेकिन अगर आपको ये मोटी चाहिए तो अब यहाँ पर जहाँ हम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये धागा एक धागा और जोड़ लेंगे यहाँ, और डबल धागे से इसको भी बना सकते हैं। 2, 3, 4, 5 हो गए ये, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 चैन ये मैंने बना ली हैं। यहाँ से हम देखेंगे अभी हमें ये थोड़ी सी छोटी लग रही है तो हम इसमें एक दो और बढ़ा लेंगे। ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
देखिए इस तरह से ये चेन बन के तैयार हो गई। अब हम ये धागा पीछे की तरफ लेके इसकी कटिंग कर देंगे। इसी तरह से सेम हम यहाँ पर एक धागा जोड़ेंगे और यहाँ चेन बनाएंगे और एक धागा हम यहाँ जोड़ लेंगे। यहाँ भी इस तरीके की चेन बना के और दूसरे सिरे पर हम जोड़ लेंगे। पहले हम इसको नाप लेंगे कि हमें कितनी चेन बनानी है। देखिए यहाँ से हमें ये चेन यहाँ पर जोड़नी है। आप देख सकते हैं ये पूरी आ गई है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ जोड़ देंगे। बिल्कुल इसकी सीध में हमें इसे जोड़ना है जहां हमने ये शुरू किया था। एक बार और ये यहां से लेके ये इस तरह की ये चेन यहाँ बना दी। एक चेन हम इसकी यहाँ पर बनाएंगे। ये धागे हम यहाँ लेके इनको काट देंगे और इसी तरह से हम इस तरफ भी एक चेन बना लेते हैं। ये देखिए ये दोनों साइड हमने इस तरह से चेन बना ली है। इसकी दो चेन हमने यहाँ बनाई है फिल्टर पॉकेट के लिए, ताकि हम यहाँ पर इस तरीके से कोई भी कपड़ा इसमें रख सकें। हाँ ये मेरा थोड़ा बड़ा है, आप इसको थोड़ा सा छोटा काट के इसको छोटा कपड़ा आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से ही देखिए, चाहे जब बार बार इसको चेंज कर सकते हैं। कॉटन का कपड़ा होगा तो ये सांस लेने में भी दिक्कत नहीं करेगा, और चाहे जितनी लेयर आप इसमें लगा सकते हैं। ये हमारा मास्क बनके तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।